अच्छा प्राणों पर छोड़ते हैं ना लेकर उसको लगाते हैं शिव सर, अभी जो आज जो धमाका हुआ था ये दुकान में, उसमें एटीएस की टीम आई है, क्या क्या किस तरीके से वहाँ जांच हो रही है और क्या पाया गया है? हाँ, थाना कोतवाली देहात जनपद एटा में कुसाड़ी नाम के गांव में आज सुबह अज्ञात कारणों से एक किराए की दुकान में धमाका हो गया था, जिसके कारण दुकान की जो दोनों तरफ की दीवारें थी वो गिर पड़ी थी। और सुबह से ही हम लोगों ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कर रखा था और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा आपस में बातचीत करने के दौरान एटीएस की टीम, बीडीडीएस की टीम और एफएसएल आगरा की टीम यहाँ मौके पे आई थी। उन लोगों ने सैंपल इकट्ठा किए हैं। प्रथम दृष्टया मामला अभी जो है जांच के बाद स्पष्ट रूप से सामने हो पाएगा। ऐसा नहीं पता चल पाया कि इसमें क्या चीज़ थी, किस तरीके का विस्फोटक था, इतना तेज धमाका हुआ है? प्रथम दृष्टया जो वहाँ जांच अधिकारी थे उनके द्वारा बताया जा रहा है कि दीपावली पे पटाखे के निर्माण के लिए वो अवैध तरीके से उसने जो है बारूदों का ढेर इकट्ठा कर रखा था, इसके कारण उसमें विस्फोट हुआ है। लेकिन वो लोग सैंपल इकट्ठा करके लेके गए हैं और जांच के बाद ही पूरी सत्य बात सामने आ पाई। ये युवक जो घायल हुआ था उसकी स्थिति क्या है अभी? स्थिति यहाँ जिला अस्पताल से उसे आगरा के लिए रेफर कर दिया गया है और लगातार हम लोग उसका इलाज अभी वहाँ आगरा में चल रहा है। हम लोग नियंत्रण के संपर्क में बने।